क्या गोवा के मोरजिम बीच घूमने आना चाहिए? सभी लोग मुझसे यही पूछते हैं कि क्या घूमने आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो अभी हूँ मैं मोरजिम बीच के एंट्रेंस पे, और यहाँ पर ज़्यादा कुछ मार्केट एरिया नहीं है जैसे फ्ली मार्केट होती है। और बीच पर इंटर करते हुए लेफ्ट साइड जो बार्केडिंग की हुई है वहाँ पे है क्या रखने का, टॉर्टाइस संरक्षण क्षेत्र, यहाँ पर कछुओं को संरक्षित किया जाता है। तो चलिए अब बीच के अंदर चलता हूँ और आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने का प्रयास करता हूँ। आप देख सकते हैं कि बीच बेड्स खाली है, जैसा कि यह बीच नॉर्थ गोवा में है और आश्वेम, अरम्बोल एंड मांडरम बीच के आसपास का एरिया ही है। लेकिन इस बीच की बात की जाए तो यहाँ पर इंडियन टूरिस्ट तो आते ही नहीं है। इंडियन पर्यटक मतलब जो कि भारत के अन्य जगहों से आते हैं। अगर बात की जाए विदेशी पर्यटकों की तो विदेशी पर्यटक इस पर आते हैं, लेकिन इतना नहीं आते हैं कि यहाँ पर भीड़ लग जाए। लेकिन इसके अलावा भी ये बीच बहुत ही फेमस है और बहुत ही सुंदर है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ का माहौल। अगर आप गोवा के मोरजिम बीच आना चाहते हो तो आपको नॉर्थ गोवा मींस पंजिम सिटी से लगभग 25 किलोमीटर दूर आना पड़ेगा, तब आपको यह बीच मिलेगा। अब बात की जाए विदेशी पर्यटक यहाँ पे कम रहते हैं जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बीच की जो सैंड है बिल्कुल फ्लैट सैंड है, जिसे यहाँ पे वॉक करने में चलने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, और यही एक कारण है। और दूसरा कारण जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि यहाँ पर टॉर्टाइस संरक्षण क्षेत्र है, तो इन दोनों चीज़ों के कारण लोग यहाँ पर आते हैं। और देसी पर्यटक तो लगभग ना के बराबर आते हैं, जो भी पर्यटक आते हैं वो सारे विदेशी पर्यटक होते हैं। तो इस बीच पर आपको, अगर आप सिंगल लड़के हैं तो आपके लिए मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, क्योंकि ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया नहीं है। विदेशी लोग तो यहाँ पर हैं ये मानता हूँ मैं, लेकिन ज़्यादा नहीं है जितने कि अरम्बोल, मांडरम एंड आश्वेम बीच पर दिखेंगे, उतने ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं है। आप माहौल देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त व्यू यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो ये था नॉर्थ गोवा का मोरजिम बीच, जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्लैट सैंड है और बीच ही बीच, दोनों छोर पर बीच ही दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो रिलेटेड है नॉर्थ गोवा से, इसलिए अगर आप भी जानना चाहते हैं फेमस प्लेसेज ऑफ नॉर्थ गोवा, विजिटिंग प्लेसेज ऑफ नॉर्थ गोवा, टूरिस्ट प्लेसेज ऑफ नॉर्थ गोवा, बेस्ट प्लेसेज ऑफ नॉर्थ गोवा, बेस्ट बीचेज इन गोवा, फेमस बीचेज इन गोवा, फेमस प्लेसेज इन गोवा, नॉर्थ गोवा टूरिस्ट प्लेसेज, नॉर्थ गोवा बेस्ट बीचेज, तो मेरे चैनल पर, और ये वीडियो भी इसी से रिलेटेड है।